हेलो भाई, आज की वीडियो में स्वागत है। तो भाइयों, आज मैं मात्र दो डायोड से एक बहुत ही बढ़िया सा प्रैक्टिकल करने वाला हूं, जिससे आपका कोई भी बल्ब कभी भी खराब नहीं होगा। चाहे तो आप सिंपल बल्ब ले लीजिए, चाहे एलईडी बल्ब, चाहे आप इस तरीके का ये 15 वाट का बल्ब ले लीजिए। तो मात्र दो डायोड से आप इस प्रैक्टिकल को कर लोगे, 100% काम करता है। तो भाइयों चलिए, हमें यहाँ पर एक होल्डर की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कनेक्शन के लिए यहाँ पर दो पिन दी जाती है जहाँ से हमारा बल्ब कनेक्ट होता है, ये ऐसे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर दोनों डायोड को लगाना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं। और ये रहे हमारे डायोड, तो आप इन्हें उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एसी लाइन पे लगाने वाले हैं। और अब इस लैग को मोड़ लीजिए, देखिए मैंने मोड़ दिया है। तो इसे हम यहाँ पर एक लैग में लगा देंगे। हमने यहाँ पर एक डायोड को लगा दिया है, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और अब ये जो दूसरा डायोड है, तो इसको भी आप ऐसे ही लगा दीजिए। और मैंने पहले ही बता दिया कि आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर बिल्कुल आसानी से इसको टाइट कर दिया है। और अब यहाँ पर हमें कनेक्शन देने हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इस प्रोजेक्ट को तैयार कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए, एक लीड मैंने पहले से ही तैयार कर रखी थी। तो इस लीड को हमें यहाँ पर सिंपली इसमें कनेक्ट कर लेना है। तो भाइयों देखिए, दोनों तार को हमने अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिया है और प्रोजेक्ट हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऊपर की कैप मैंने जानबूझ के नहीं लगाई, क्योंकि आपको ये नज़र नहीं आएगा फिर अगर इसे लगा दिया। तो चलिए अब इसे यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो बोर्ड को मैं यहीं पर ले आता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 100 वाट का बल्ब इसमें लगा दिया है। और अब चलिए इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, देखिए। तो भाइयों देखिए, यहाँ पर हमने बल्ब जैसे ही लगाया, बल्ब हमारा बढ़िया तरीके से जलने लगा है। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि इसमें नया क्या है, बल्ब तो वैसे भी जलता। तो भाइयों, डायोड लगाने से ये फायदा हुआ है कि पीछे से जो फ्लेक्सिबल लाइट आती है ना, थोड़ी कम ज़्यादा ऐसे करके लाइट आती है। तो डायोड लगाने से वो कम ज़्यादा लाइट नहीं जाएगी, बिल्कुल स्मूथ लाइट आगे जाएगी। तो स्मूथ लाइट जाने से आपका बल्ब बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आपकी लाइट कम ज़्यादा होती है तो बल्ब इसीलिए खराब होता है। दो डायोड लगाने से ये फायदा होगा कि आपकी लाइट जो है स्मूथ जाएगी आगे, और बल्ब आपका अच्छी तरीके से काम करेगा और जल्दी खराब नहीं होगा। और भाइयों, इससे आप एलईडी बल्ब को भी आसानी से जला सकते हो और वो और भी अच्छे तरीके से जलेगा। ये बल्ब तो जो है, इनकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन इस तरीके से इनकी लाइफ बढ़ जाती है और एलईडी बल्ब की लाइफ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप किसी भी बल्ब को आसानी से इसमें लगा सकते हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगा। लेकिन भाई, अगर आपको नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तभी इस तरीके के प्रैक्टिकल करना, वरना तो किसी एक्सपर्ट को अपने साथ में लेकर के उसी से कराना, अपने आप फिर भी नहीं करना। तो सिर्फ दो डायोड लगाने हैं, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको टेप लगा करके ही इस प्रैक्टिकल को करना है। और 100% जेन्युइन है, आप इसे घर में यूज कर सकते हो। तो भाई, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये प्रैक्टिकल, ये तरीका आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय भारत।